डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू चैनल आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फोर्थ ऑफ क्लास अकाउंट्स दैट इज प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और आज हम उसका पहला टॉपिक जो कि है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे चैप्टर चैप्टर एंड ऑफ अकाउंटिंग हैज ऑलरेडी बीन जो कि बेसिक एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर टू बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड चैप्टर थर्ड दैट इज बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं इनके रिगार्डिंग हर एक वीडियो अपलोड की जा चुकी है जिसने अभी तक नहीं देखी है और देखना चाहता है मेरे चैनल पर क्लास इलेवेंथ अकाउंट्स प्लेलिस्ट में जाकर वो इसे देख सकता है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है ठीक है तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में हम टोटल फाइव स्टेप्स को डिस्कस करने वाले हैं ठीक है सबसे पहला स्टेप जो कि प्रोसेस में रहेगा वो रहेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन जिन्होंने सारी वीडियो शुरू से देखी हैं, जिन्हें अकाउंट का थोड़ा सा बेसिक पता है उन्हें ये पता होगा कि अकाउंट में सिर्फ उन्हीं आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है जिन्हें मनी के टर्म्स में, में मेजर एंड एक्सप्रेस किया जा सकता है जिए अगर आप अपने बिजनेस में कुछ भी परचेज कर कर लेकर आते हैं तो आप उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करोगे दैट आई हैव द आइटम्स ऑफ फाइव हंड्रेड मीन एंड सेल ऑफ आइटम्स कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी बट स्पोज कीजिए अगर आपके कंपनी के प्रोडक्शन और सेल मैनेजर के बीच में कोई फाइट हो जाती है उसी कारण आपकी कंपनी का बहुत नुकसान हो जाता है तो क्या आप उस चीज को मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो नहीं कर सकते हो वो फाइट एक इंपॉर्टेंट इवेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्योंकि वो बिजनेस की, को करेगा, हम उसे की में नहीं होगी इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स नेक्स्ट सेकेंड स्टेप क्या है आई होप सो फर्स्ट स्टेप क्लियर है कि हमें क्या करना है आइडेंटिफिकेशन करनी है ट्रांजेक्शन आइटम्स को ढूंढकर बाहर निकालना है जिन्हें हम मेजर और एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी सेकेंड स्टेप हमारे पास यहाँ पर रहता है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स क्या है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स वाउचर्स क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने बताया था वाउचर्स क्या होते हैं वाउचर्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके बेसिस पर फर्स्ट टाइम के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री की जाती है वाउचर्स जो है इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि इंटरनली प्रिपेयर किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स लाइक परचेज इन कैश इन कैश मेमो ये कौन से डॉक्यूमेंट होते, है, होते हैं ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें सारी इंपॉर्टेंट बातों का रिकॉर्ड होता है कि कितनी आइटम्स की किस से की, किस की, कितनी की की गई 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 हैं 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 किसे सेल किस डेट को कितने अमाउंट की की गई हैं जो इन इंपॉर्टेंट चीजों का रिकॉर्ड रखता है उन्हें हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं और इनके बेसिस पर वाउचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं और इन वाउचर्स के बेसिस पर फर्स्ट टाइम के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की जाती है ठीक है तो सेकंड स्टेप पे क्या करना है आपको वाउचर्स की प्रिपरेशन करनी है थर्ड स्टेप जो जो हमारे पास यहां पर है है वो क्या रिकॉर्डिंग इन द बुक्स बुक्स ऑफ एंट्री एंट्री की जो होती है, उन्हें हम बोलते हैं जर्नल क्या बोलते हैं जर्नल जर्नल इज वन ऑफ द बुक्स ऑफ ऑरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स क्या बोल रहे हैं कि जो वाउचर्स आपने पिछले स्टेप में प्रिपेयर किए हैं इन वाउचर्स के बेसिस पर अब जर्नल में एंट्री की जाएगी ठीक है जर्नल क्या है इज द बुक ऑफ ऑरिजिनल एंट्री जिसमें जिस बुक्स uh, में फर्स्ट टाइम के लिए अब, आपकी आइटम्स का रिकॉर्ड किया जाता है वो उस बुक को क्या बोलते हैं जर्नल बोलते हैं ठीक है ठीके? उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है फोर्थ स्टेप क्या है पोस्टिंग टू लेजर अब लेजर में पोस्टिंग होगी लेजर क्या होता है जहां पर सेपरेट सेपरेट अकाउंट्स बनाए जाते हैं हर एक आइटम के लिए सपोज कीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने परचेजेस की किया परचेजेस क्या पूरे ईयर में एक ही बार की होंगी बहुत बार की होंगी डिफरेंट पार्टी से की होंगी राइट right? तो परचेज का हम क्या करेंगे एक सेपरेट अकाउंट बना देंगे और ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी परचेजेस हुई हैं वो सारी परचेजेस उस परचेज अकाउंट के अंदर शो कर देंगे उसी तरह सेल के लिए कैश आइटम्स के लिए क्रेडिट आइटम्स के लिए सबके लिए अलग अलग अकाउंट्स प्रिपेयर कर देंगे ठीक है तो जब हम हर एक आइटम के लिए एक अलग अकाउंट प्रिपेयर कर देते हैं और उसमें उससे रिलेटेड हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पोस्टिंग टू लेजर क्या लिखा है क्लासीफाई ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर एट वन प्लेस इन एन अकाउंट ओपनड इन देयर नेम ठीक है यही कह रहे हैं ना कि जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उन सबको क्लासीफाई कर देना है की जैसे परचेज के रिगार्डिंग जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उन्हें अलग कर दिया और उन्हें परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे ड्यूरिंग द इयर जितनी सेल की रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन हुई है उन्हें अलग कर दिया और उन्हें सेल अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे राइट इस तरह से करना है तो उसे हम क्या बोलेंगे पोस्टिंग टू लेजर्स इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे ये सारे आपके सेपरेट चैप्टर्स हैं जहां पर आपको जर्नल प्रिपरेशन करना आना चाहिए जहां आप सीखोगे जर्नल की कैसे प्रिपरेशन करते हैं लेजर कैसे बनाते हैं वो सब कराऊंगी अभी जो है सिर्फ इसका थ्योरी पोर्शन चल रहा है इसको समझते चलिए थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है क्रिएट करते चलिए ताकि आगे आपको हेल्प मिले अभी हमारे पास लास्ट स्टेप जो कि क्या है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये आपका लास्ट स्टेप है ये क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपके फाइनल अकाउंट्स हैं यहाँ पर प्रिपेयर किए जाते हैं फाइनल अकाउंट्स में आपके बैलेंस शीट आती ठीक है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है ठीक है सबसे पहले आपको क्या करना है ट्रायल बैलेंस का प्रिपरेशन करना है ट्रायल बैलेंस का प्रिपरेशन इसलिए किया जाता है ताकि जो लेजर में आपने सेपरेट सेपरेट अकाउंट्स बनाए हैं उनके जो बैलेंसेस आए हैं अल्टीमेटली उन बैलेंसेस की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दो साइड्स होते हैं डेबिट और क्रेडिट सारी डेबिट आइटम्स का रिकॉर्ड करते हैं और सारी क्रेडिट आइटम्स का रिकॉर्ड करते हैं दोनों के टोटल को मैच करते हैं ठीक है तो ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इस टू तो चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स और इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो स्टेट आपके दो अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं एक तो होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है ठीक है तो ये हमारे पास है इंटायर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग आई होप्स so आपको क्लियर हुआ होगा एक बार क्रक्स फिर से बता रही हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से आइटम्स हैं जिन्हें मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो उसके बाद आपको क्या करना है वाउचर्स की प्रिपरेशन करनी है वाउचर्स क्या है इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो क्यों बनाए जाते हैं ताकि इनके बेसिस पर हम फाइनल अपनी जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में फर्स्ट टाइम के लिए एंट्री पास कर सके और जिन बुक्स ऑफ अकाउंट में फर्स्ट टाइम के लिए एंट्री पास की जाती है उन्हें बोलते हैं जर्नल और जर्नल के बेसिस पर फिर लेजर बनते हैं और लेजर के बेसिस पर ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर फाइनल स्टेटमेंट्स तो ये होती है आपकी इंटायर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग आई होप सो आपको ये समझ में आ गई है स्टिल कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और कैसा लगा है वीडियो समझ आया नहीं आया प्लीज मुझे कमेंट करके कर बताना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ब